फोन करके ले लेंगे, देख सकते हैं ताजा केक है, ये देख सकते हैं चॉकलेट फ्लेवर है, जबरदस्त है, काट के ले लेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप किचन में आपका स्वागत है। तो अभी बज गया है 7, तो देख सकते हैं अभी बारिश हुई है, बहुत ज़ोरदार बारिश हुई है, बिजली भी कड़क रही थी, बारिश भी हुई है बहुत ज़ोरदार, बादल भी छाए थे, तो बज गए 7। तो आपको थंबनेल से तो पता चल गया है तो आज क्या बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं सुक्का चिकन, मटन का सालन मतलब बकरी का गोश्त का सालन, और बगारवा चावल और रोटी। तो हम बनाने वाले हैं आज पूरी थाली, चिकन भी और मटन भी, तो वो ज़बरदस्त वीडियो बनने वाला है, वीडियो को स्किप नहीं करेगा। वीडियो पर नया तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, आप करते नहीं, करिए, कर लिया, और मेरे इंस्टाग्राम फॉलो करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी टॉप किचन 123 मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करिएगा। और आज बनने वाला है पप्पू के हाथ का गाँव का खाना, तो देखते हैं कैसा कैसा होने वाला है, आप वीडियो स्किप नहीं करेगा। चलिए कुकर ले लेंगे, उसमें गोश्त डाल देंगे, उसमें डाले मैंने हल्दी और कांदा और पेरू, थोड़ा सा पेरू थोड़ा सा डाल दिए, पेरू में तेल 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 सॉरी तेल डाले हैं इसमें, अभी अच्छे से भून लेंगे, अब इसको सीटी मार के ले लेंगे। चावल को धो लेंगे, चावल को अच्छे से धो लेंगे, बगैर चावल बनाने वाले हैं, तो चावल को धो लेंगे पहला और अच्छे से धो लेंगे। अभी सोप ले लेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा तेल डाल देंगे। अब इसमें जीरा डाल, सा जीरा डाल देंगे थोड़ा सा, और तेज पत्ता डाल दिया है, मिर्ची डाल देंगे, अब एक कढ़ाई ले लेंगे, अब इसमें कांदा डाल देंगे चावल बनाने के लिए। अब इधर कढ़ाई गर्म करने के लिए रखी है, अब इसमें से डाल देंगे परसों तेल, चावल बनने वाला है सुक्का चिकन, चावल को पहले इसको बर्तन को, अभी जो सुक्का चिकन बनाना है इसमें भी कांदा डाल देंगे। इधर बन रहा है सुक्का चिकन और इधर बन रहा है बगाला चावल, दोनों जगह बन रहा है। तो कांदा अच्छे से हिला लेंगे, इसे कांदे को भून लेंगे, अभी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, चावल डाल देंगे, चावल को अच्छे से धो लिया था, अब इसमें डाल देंगे ये 1.25 किलो चावल है पूरा, पूरा 1.25 किलो चावल है, और पूरा चावल तेल में भुनना है। अब इसमें चावल डाल देंगे, पानी डाल देंगे, पानी डाल दिया है अभी, और अभी अच्छे से हिला लेंगे, अभी थोड़ा नमक डाल देंगे, आप अपने हिसाब से डाल देना, अच्छे से हिला लेंगे। अब इसमें 5 मिनट कर रख देंगे और फिर बाद में हिला लेंगे इसको। तो अब चलते हैं हमारा सुक्का चिकन की तरफ, अभी भी कांदा भून रहा है, कांदे को अच्छे से भुनना है, कांदे को अच्छे से भुनना है, पूरा लाल करना है कांदे को, डाल देंगे खोपरा जीरा और तिल का पेस्ट डाल देंगे इसमें चिकन, और ये गर्म पानी तंदूरी लगा दिया है, गर्म पानी सुक्का चिकन और गोश्त का सालन भी डालने का, दोनों जगह डालना है सुक्का चिकन और गोश्त का सालन में, गर्म पानी डालने का। ये अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, आप अपनी सब्जी डाल देना, हम अपने हिसाब से डाल रहे हैं, थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देंगे और अच्छे से हिला लेंगे। अब ये घर का मसाला डाल देंगे, हमारा होममेड मसाला डाल देंगे, घर का मसाला अच्छे से हिला लेंगे। चावल का भी ढक्कन खोल दिया, पका नहीं है और ढकना चाहिए थोड़ा सा। अब बारी है सूखा चिकन डालने की, वो चिकन डाल देंगे अच्छे से, अब अच्छे से हिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा मसाला चिकन को,
अब इसको इसके ऊपर ढक्कन ढक के रख देंगे 5 मिनट तक, तो ये पक जाएगा। बाजू में अपना चावल भी पक रहा है, चिकन पक गया। गोश्त देख सकते हैं, इसको हमारे 3 सीटी में बकरे का गोश्त देख सकते हैं, पक गया है बकरे का गोश्त पूरा। अब इसको बकरे का गोश्त मटन का सालन बना ले। चिकन पूरी तरह से पका नहीं है, अब इसमें डाल देंगे तला हुआ कांदा, फ्राई कांदा डाल देंगे इसमें। बाजू में चावल बन रहा है और इधर सूखा चिकन बन रहा है। अभी बना नहीं है, मतलब बनने वाला है अभी, मतलब बन थोड़ा सा पकाना बाकी है अभी। तो अभी सूखा चिकन बन गया है, चावल भी रेडी हो गया देख सकते हैं। अभी बना देंगे बकरे गोश्त का सालन। अभी बर्तन ले लिया, इसमें डाल देंगे तेल, अभी इधर बना रहे हैं अभी रोटी रोटी बना रहे हैं इधर। अभी चावल में थोड़ा सा कलर डाल देंगे ऊपर से, तो अच्छा लगता है जरा इसके लिए। देख सकते हैं अभी रोटी ऐसी बनाना है, ज्वारी की रोटी। तब्बू दीदी बना रहे, देख सकते हैं ज्वारी की रोटी। अभी डाल देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट, डाल देंगे हमारा घी का मसाला होम मेड मसाला डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, अच्छे से हिला लेंगे। तेल छूट जाएगा, अभी इसमें तेल छूट जाएगा थोड़ा, ढक देंगे ना तो पूरा तेल छूट जाएगा, इसके लिए ढक के रख देंगे 5 मिनट तक। चलो तेल छूट गया देख सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे बकरे का गोश्त, कितना सारा दिखने अब इसमें उबाल आए तक ढक के रख देंगे। नहीं बेटा तुम गोश्त का पानी डाल, और गोश्त का पानी डाल देंगे और उसको ढक्कन रख देंगे। जब तक उबाल नहीं आता, जब तक ढक्कन रखना है तो अच्छे से पक जाएगा। देख सकते हैं सालन रेडी हो गया है, अभी चावल का चिकन सालन और रोटी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए। और ये है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज है केव भाई का बर्थडे, तो मैंने आपको पहले नहीं बताया था तो अभी बता रहा हूँ। तो आज है केव भाई का बर्थडे, तो आज बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला गांव में, मतलब केव भाई का बर्थडे गांव में ही हो गया, तो बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला गांव में। इसके लिए तो खाना बनाया है, मैं आपको सरप्राइज देने वाला था कि आपको बाद में बताने वाला था मैं। इसके लिए तो खाना बनाया है केव भाई के लिए, और पप्पा पप्पू की तरफ से केक मंगाया है, तो देखते हैं कैसा होने वाला बर्थडे सेलिब्रेशन। तो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हमारे सब घर के लोग हैं, पिंटा चाचा चाची और अपना पप्पू भाई है और यज भाई, मतलब सब घर के लोग हैं। तो अपने पिंटा चाचा को भी देखेंगे, चाची पप्पू भाई को तो देखे ही होंगे आपने, तो वही है आज बर्थडे सेलिब्रेशन। तो देखते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा होने वाला है, तो आप बने रहिए वीडियो में अपने प्यारे केव भाई का बर्थडे बनाने के लिए। केव भाई ने बहुत मेहनत किया है मेरे साथ साथ, हर वीडियो में आता था वो, बहुत उसने भी मेहनत किया है, स्ट्रगल किया है, तो उसका बर्थडे भी ज़ोरदार बनाना चाहिए, उसका बर्थडे मनाने वाले। चलिए फोन करके ले लेंगे, देख सकते हैं कितना अच्छा केक है, केव भाई का केक देख सकते हैं, चॉकलेट फ्लेवर है, ज़बरदस्त है, काट के ले लेंगे। देख सकते हैं केव भाई, पप्पा चाची मम्मी अप्पा पप्पू भाई मिंटा चाचा दादा, देख सकते हैं, देख सकते हैं पूरी फैमिली खड़ी है इधर केक काटने के लिए। अभी केक काट के ले लेंगे। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, सौ दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday. छोटे बच्चे लोग का रहते हैं, आज खिला तो हाँ खिलाते खान दे खा तो अब देख सकते हैं।
देख सकते हैं खिला रहे अभी के भाई पप्पो खिला रहे केक, भाई पप्पा के भाई खिला रहे केक, देख सकते हैं अभी चाची खिला रहे के भाई केक, चाचा चाची दोनों खिला रहे के भाई केक, अभी दादा है देख सकते हैं दादा खिलाएंगे केक, अभी दादा के भाई खिला रहे केक, बस रे हैदर आजा, हैदर आना के बगल में केक खिलाएंगे, बर्थडे का केक काट के हो गया है, मतलब केक भाई टॉप किचन की आन बान शान, केक भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है। तो अब बारी है खाना खाने की, तो खाने के लिए तो क्या क्या बनना है देखिए आपने स्पेशल रेसिपी केक भाई के लिए, तो चलिए खाते हैं खाना। प्लेट रेडी कर रहे देख सकते हैं, अभी प्लेट रेडी कर रहे हैं, देख सकते हैं पूरी प्लेट रेडी हो गई, देख सकते हैं पूरी प्लेट बना है, अभी लेके जाएंगे बाहर, चलिए देख सकते हैं इधर खाने बैठ गए सब जो केक भाई पप्पू भाई दादा पिंटू चाचा अब्बा, देख सकते हैं सब कुटुंब सब परिवार खाने बैठे हैं, अभी भी थाली आ गई, देख सकते हैं इधर भी बैठे हैं खाने पप्पा के साथ। बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है, खाना खा के भी हो गया, केक काट के भी हो गया, तभी खाना पीना खा के हो गया है। तो के भाई आपको कैसा लगा बर्थडे सेलिब्रेशन? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया बहुत। पहली बार गांव में बर्थडे बनाया के भाई ने, मेरे को कभी गांव में बर्थडे हुआ नहीं था, गाँव बर्थडे के पहले ही बम्बई चले जाते थे छुट्टी में भी, जब बर्थडे आता है उसका धूप की छुट्टी में, लेकिन दुख की छुट्टी मना के हम मम्मी चले जाते थे, लेकिन इस बार गांव में बर्थडे हुआ है इसके भाई का, वो बहुत ज़ोरदार से हुआ बर्थडे, के भाई को तो बहुत पसंद आया होगा, आया ना के भाई को बहुत पसंद आया, अपना के भाई का बर्थडे था आज, मैं भी बहुत खुश था, और के भाई ने बहुत चाय के लिए हेल्प भी किया है, के भाई हर चाय में आता भी है, कहना भी कैमरा भी पकड़ता है, बहुत मेहनत करता है। तो वीडियो पर नया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप करिए, कर लिया, और मैं इंस्टाग्राम में फॉलो करिएगा, मैं इंस्टाग्राम क्या है टॉप किचन 123 स्क्रीन पे मैं आपको दे दूँगा, 123 मुझे फॉलो करिएगा, और जल्दी मिलेंगे गांव के नए वीडियो के साथ, बहुत धमाकेदार वीडियो आने वाले, देखिए जरूर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज़रूर देखिएगा, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।